सती जी एकदम खड़ी हैं, एकदम शांत। शंकर भगवान ने देखा, आंख में आंख डालकर, देवी क्या बात है, कैसे परीक्षा ली, बताओ तो सही। कछु न परीक्षा ली न गोसाई, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाए, दीन प्रणाम तुम्हारे नाए। तब शंकर में आंख डालकर पूछा, देवी कैसे लिया परीक्षा? का कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने तो कोई भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम कर लिया। और जैसे ये बात कही कि आपकी तरह प्रणाम किया, तो वाणी लड़खड़ाने लगी। शंकर भगवान ने तब शंकर देखो धरी ध्याना, शंकर भगवान ने आंख में आंख डालकर देख लिया, देवी सत्य और असत्य का निर्णय कभी कभी जीवा नहीं करती है, आंखें करती। आंख में आंख डालकर देखा और पता चल गया, ओहो वारी सती तूने ये क्या कर डाला, तूने मेरी माँ का वेश बना लिया, तूने श्री जानकी जी का रूप ले लिया, मेरी मैया का रूप ले लिया। और अब शंकर भगवान को रोष आ गया और शंकर भगवान कहते हैं, मिटाई भगते पथ होई अनीति, जो अब करो सती सने प्रीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सती दीन सी ताकन का वेश तूने क्या कर डाला। सती तू मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगनी, लेकिन तूने मेरी माँ का वेश बनाया और माँ से पत्नी धर्म नहीं निभाया जा सकता। मिटई भगत पत होई अनीति, जो अब करूं सती सन प्रीति। अगर सती से मैं प्रेम करता हूं तो ये शरीर मेरी माँ का है, श्री जानकी जी का, बोलो जय सिया। मिटई भगत पत होई अनीति, जो अब करूं सती सन प्रीति, जाओ तुम्हारा और मेरा वियोग होता है। आकाशवाणी हुई, हे देवादिदेव, हे शंकर भगवान, जैसे आज आपने इस संकल्प को लिया है, ऐसा संकल्प लेने वाला कोई और नहीं। संकल्प की बात आई, सती जी रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, हे देवादिदेव कौन सा संकल्प लिया है, कौन सी बात है, मुझे बताइए, मुझे बताइए, सत्य सत्य बताइए। और जब कहा सत्य सत्य बताइए, शंकर भगवान ने कहा सत्य बता दिया तो प्राणों को नहीं रखेंगी, क्या करूं क्या करूं। सत्यम ब्रियात किंतु प्रियम ब्रियात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, ना ब्रियात अप्रियम सत्यम, ऐसा असत्य मत बोलो जो किसी की जान को ले। सत्य बता दूंगा अभी जीवन को खत्म कर देंगी। कहा देवी आप क्यों व्यर्थ में इधर से उधर फंस रही, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितनी सुंदर ये नदी है, कितने सुंदर ये हिरण है। और इस प्रकार से शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे देवी मैं तुमको बहुत मीठी मीठी कथा सुनाता हूँ। मन को एकदम से अपनी ओर ले लिया और सत्य नहीं बताया। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ
और यहीं से सती जी का और भोलेनाथ का अलगाव हो गया। भोले बाबा समाधि में और सती मैया रो रो कर एकदम हाल बेहाल, शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा। और इसी दौरान थोड़ी देर हम सती मैया को रो लेने देते हैं, वियोग हुआ है, शंकर भगवान को समाधि में रहने देते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते भगवान समाधि में। और 87,000 वर्ष की समाधि, बीते संवत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। शंकर भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई, सती जी का शरीर रो रो के बेहाल, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, एकदम सूख कर शरीर हड्डियों का ढांचा। जैसे ही नेत्र खोले सती जी गई चरणों पे जाकर लेट गई, हे देवादिदेव, हे महादेव, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे बात करिए, मुझसे बात करिए। और जब सती जी बहुत रोने लगी तो शंकर भगवान ने कहा, हे देवी आओ। और जैसे ही शंकर भगवान ने सीधी दृष्टि डाली है तो सती जी का हाल देख करके हमारे करुणा अवतारम शंकर भगवान के नेत्रों से अश्रु छलक आए। हे देवी, मेरा और आपका वियोग हुआ, ये आपने अपने शरीर को कैसा कर लिया, आंखें अंदर की ओर चली गईं, हड्डी हड्डी शरीर रह गया है, एकदम कैलाश शमशान हो गया था। और जब इस तरीके से सती जी को देखा तो भोलेनाथ को लगा, कौन सी औषधि दें, कौन सी टॉनिक दें इनको, कौन सी दवाई दें जिसे ये ठीक हो जाएं, कौन सी औषधि दें। और तभी शंकर भगवान ने सोचा, भैया काजू बादाम तो मेरे पास है नहीं, एक ही औषधि है, एक ही टॉनिक है, वही मैं इनको पिला दूं, शायद ठीक हो जाएं। लगे कहने हरी कथा
रसाला लगे कहन भगवान मीठी मीठी कथा सुनाने लगे। कहा देवी आओ मैं तुमको कथा से ठीक करूंगा। लगे कहन हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भेद ही काला। घटना घटित हो गई। जब मीठी मीठी कथा सुनने के लिए सती जी तैयारी करती हैं उसी समय दुर्घटना ये घटित हुई कि दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया गया है और जिसके पास पद आ जाता है उसको मद भी आ जाता है। बोलो जय सियाराम। जैसे ही दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया तो उनको मद आ गया। इधर शंकर भगवान सती जी को मीठी मीठी कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर ये घटना घटित हुई है। दक्ष एकीन प्रजापति नायक, दक्ष को प्रजापति, सती जी से भोले बाबा कहते हैं कि आइए देवी बैठिए, मैं आपको मीठी मीठी कथा सुनाता हूं। और दक्ष को जब प्रजापति का पद दिया गया तो इनके आयोजन के लिए बहुत बड़े समारोह को रखा गया और उस समारोह में हमारे शंकर भगवान को नहीं बुलाया था। ये बात शंकर भगवान को विदित है। शंकर भगवान को पता है कि मुझे नहीं बुलाया गया, शायद कथा में विघ्न हो जाए, इसलिए सती जी से करें देवी मन लगा के कथा को सुनो। लगे कहन हर कथा रसाला। और तभी ऊपर से विमान निकले, देवी देवताओं के समूह निकलने लगे। सती मैया ने शंकर भगवान से कहा जरा कथा बंद कर दीजिए, मुझे ये बताइए विमान कहाँ जा रहे हैं। कहा देवी आप कथा सुनिए, कथा में मन को लगाइए, आप कहाँ की बातें कर रही हो। अरे विमान है, आते जाते रहेंगे, आप कथा सुनो, आप कथा सुनो, कथा सुनो। सती जी ने कहा नहीं कथा बंद करिए और मुझे बताइए विमान कहाँ जा रहे हैं। और जब कहा विमान कहाँ जा रहे हैं तो शंकर भगवान ने कहा देखो देवी, वैसे कथा में व्यवधान हो रहा है लेकिन मैं बताता हूँ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। ये विमान आपके पिता के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कहा आपके पिताजी के यहाँ बहुत बड़े उत्सव का आयोजन है और उस उत्सव में सारे देवी देवता जा रहे हैं। कहा हम और आप नहीं जाएंगे? कहा हमको नहीं बुलाया गया है और जब हमें नहीं बुलाया गया तो हम कथा कहेंगे, आप कथा सुनिए। और जब कहा हम कथा कहेंगे आप कथा सुनिए, सती जी ने कहा मेरे बाप के घर सब लोग जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। कोई चिट्ठी पत्री आई होगी जरूर मेरे पिता ने। कहा हमको और आपको नहीं बुलाया गया। कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नंदी ये बताओ कोई पत्र आया था, कोई पत्रिका आई? कहा नहीं मैया कुछ नहीं आया। भोलेनाथ ने कहा देवी एक बार आपने ऋषि के मुख से कथा नहीं सुनी और आज विश्वास का देवता शंकर तुम्हें कथा सुनाना चाह रहा है, तुम कथा नहीं सुनना चाह रही, अवश्य इसमें भगवान की कोई मर्जी होगी। कहा बताइए हम क्यों नहीं पिता के घर जा सकते? पिता के घर, गुरु के घर, मंदिर में, कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा देवी हमारे जाने से किसी को कष्ट हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, आप कथा सुनो। नहीं मानी। कहा अच्छा नहीं मानती हो तो सुनो, एक बार की बात है जब आपके पिता को प्रजापति का पद दे दिया गया तो उनके सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया गया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माया, ब्रह्म सभा अजहो करैया पवाना।
उसमें सभी देवी देवता गए और मैं भी गया, चूंकि मैं तो भोला हूँ, राम नाम की मस्ती में डूबा रहता हूँ। आपके पिताजी की जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, दक्ष प्रजापति की जय हो जय हो जय हो। अब भाई सारी दुनिया प्रणाम कर रही थी, एक मैं था, मैंने प्रणाम नहीं किया। आपके पिता की सीधी दृष्टि मेरे ऊपर गई, क्योंकि सारी दुनिया प्रणाम करती, व्यक्ति प्रणाम करने वाले को नहीं देखता, व्यक्ति ये देखता है प्रणाम किसने नहीं किया। तो मैं शिकार हो गया, उनकी आंखों में जाकर बस गया, मेरा दामाद होकर और मुझे प्रणाम नहीं करता, तुझसे तो मैं बदला लूंगा। और इसीलिए ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहिते, मतलब इस कारण से अजहु आज भी कर रही अपमाना, आज भी मेरा अपमान कर रहे हैं। हे देवी वहां नहीं जाना चाहिए, आपके पिताजी बदले की भावना से बढ़ पड़े हैं। और शिव संस्कृति तो सबकी है, कल्याण की संस्कृति, मंगल की संस्कृति। देवी आप बैठिए, कथा सुनिए। कहा मुझे जाने दीजिए, मेरे बाबूजी के यहाँ जाने दीजिए। और जब जिद किया तो नंदी को बुलाया, कहा ले जाओ सती को, अब तो जो प्रभु की मर्जी है होके रहे। नंदी पे बैठ करके हमारी मैया पहुंची, और आज कोई नागरिक वंदन अभिनंदन नहीं कर रहा है। सबको दक्ष प्रजापति ने कह दिया था कि सर कलम कर दूंगा, काट दूंगा, जिसने सती का और शिव का स्वागत किया। इतना बड़ा मूर्ख है दक्ष प्रजापति, उसे ये नहीं मालूम कि जहां शिव नहीं वहां यज्ञ की कोई महिमा नहीं, जहां कल्याण नहीं जहां हनुमान नहीं, जहां मंगल नहीं वहां यज्ञ। यज्ञ तो परमार्थ का प्रतीक है, सत्य सनातन धर्म की संस्कृति वैदिक है, और यज्ञ ही तो हमारी संस्कृति है। और अब मैया उस नगर में पहुंची, सारे नागरिक देखकर पीठ पीछे कर लेते हैं, अरे सती आ गई, जो कभी सती सती बिटिया सती बिटिया सती बिटिया, लेकिन आज कोई नहीं, कोई नागरिक वंदन अभिनंदन नहीं कर रहा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सबको बुलाया है पर हमें नहीं बुलाया। लेकिन मैया की जिद आंगन में पहुंच गई। अब जब आंगन में पहुंची है तो सब लोग खड़े होकर के मजाक कर रहे। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, सबको बुलाया, सारी बेटियां रोहिणी चंद्रमा के साथ, सब कश्यप अदिति के साथ, लेकिन इनके सती मैया के साथ तो कोई नहीं। सूख कर शरीर हड्डियों का ढांचा लेकर बैग खड़ी है, नंदी छोड़ने के लिए आए थे लेके नहीं गए। भोले बाबा ने कहा पहुंचाया है, कहा सकुशल पहुंचाया है। बैग लेकर खड़ी है, कोई नौकर चाकर नहीं कि सती लाओ हम ले लें बैग।
सुख के सब साथी दुख में ना कोई। खड़ी है अब तो कोनों कोनों में बहने खड़ी हो गई, बनी बनी की है दुनिया, बिगड़ी की नहीं है। आज स्थिति खराब हो गई सती की तो सब कोनों कोनों में खड़े होके मजाक उड़ा रही, अरे वो नहीं आया, भोला नहीं आया, वो जंगली नहीं आया जिसको जीजा जी जीजा जी जीजा जी कहती थी, आज वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, नहीं आए। अब तो ऐसा लग रहा है कि सती जी पर कोई अग्नि की बरसात कर रहा है। खड़ी है लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, माँ दौड़कर आई प्रसूति, अरे ओ लाडो, अरे ओ सती, अरे मेरी बिटिया, मेरी लाडो, हाय मेरा बच्चा कितना दुबला हो गया। सादर भले ही मिली एक माता, माता कुमाता ना भवती, मैया कभी कुमाता नहीं हो सकती। माँ ने हृदय से लगाया मेरी बिटिया और फूट फूट कर प्रसूति और सती रोने लगी। बहने कहती अरे क्या इसको हृदय से लगा रही हो, कुछ काका काकी बड़े, कुछ चाचा चाची बड़े, कुछ मामा मामी बड़े, कुछ अड़ोसी पड़ोसी बड़े, कि बस ऐसे खुले में गुजारा चल रहा, कुछ घर वर बना। एकदम से सती जी के शरीर में अग्नि। लेकिन मैया ने कहा बिटिया शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे पिता कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जाओ चली जाओ जाकर। और प्रसूति के कहने पर सती जी धीमे धीमे कदमों से चलती हैं जहाँ यज्ञ का आयोजन है, और उस यज्ञ के आयोजन में सती जी का प्रवेश होता है। जैसे ही सती का प्रवेश, सारे देवी देवताओं का पांडाल लगा हुआ है लेकिन शंकर भगवान का कोई स्थान नहीं, सबके स्थान है लेकिन शंकर भगवान का कोई नहीं। और जैसे सती मैया का प्रवेश, दक्ष ने पीछे मुड़कर देखा, कहाँ सती आ गई, इसको तो मैंने बुलाया नहीं था, ये कैसे आ गई। और इसको नहीं बुलाया, तन बदन में एकदम से दक्ष की अग्नि। और देख करके जब ये सोची, एक पिता एक पुत्री का रिश्ता है लेकिन दक्ष बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और घूर कर देखा ये आया तो वो जंगली भी आया होगा मन में एकदम से। और जैसे ही सती मैया ने पांडाल में यू करके देखा, कतौ न दीख शंभु कर भागा, और ये तो काली है, ये तो छिन्न मस्तिका है, ये तो महामाया है, महालक्ष्मी है, अष्टभुजा माँ जगदम्बे ने कहा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। ललकार करके दिया, सुनो सबासल सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताप पिताऊ। ऐ दक्ष तू सोचता है तेरे अपवित्र शुक्र से मेरा जन्म हुआ है, तू मुझे क्या जन्म देगा, जगत की दात्री तो मैं हूँ, अम्बे मैं हूँ, जगत जननी मैं हूँ, उद्भव स्थित संघार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष करी मैं हूँ, देख मेरी ओर। और देखते ही देखते मैया ने दाहिने चरण के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया, और देखते देखते अस कही योगी अग्नि तनुजा, अग्नि में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। और देखते देखते शंकर भगवान का चित्त कैलाश पे डोल गया, एक जटा तोड़ी वीरभद्र का निर्माण किया, कहा जाओ जो उचित सजा हो दक्ष को दे दो। और वीरभद्र चला है तो कंप आने लगा, एकदम त्राही त्राही, बचाओ बचाओ बचाओ, रक्षमाम रक्षमाम। आया वीरभद्र, सारे ऋषि मुनि भागने लगे, सारे देवी देवता भाग रहे हैं, भृगु जी यज्ञ की वेदिका पर लेट गए। और देखते देखते दक्ष प्रजापति का शीश वीरभद्र ने काटा। शिवद्रोही की स्थिति यही होती है, दक्ष का शीश अहंकार का शीश कटा, और सती मैया हमारी योगाग्नि में समा चुकी है। लेकिन क्या इच्छा थी, सती मरत हरे सन बर मागा।
मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय योगाग्नि में अपने शरीर को जब भस्म किया था, जीव जिस कामना को लेकर शरीर को छोड़ता है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है। बोलो जय सियाराम। सती मरत हरि सनवर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाए, उसके फल स्वरूप हिमालय और मैना की बिटिया बनकर के आई है। छोटी सी प्यारी सी ये गुड़िया हिमालय के आंगन में आ गई और सब ऋषि मुनियों को पता चलता है कि जगदम्बे का अवतार हो गया है, मैया का अवतार हो गया है, तो सब लोग माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं।